कोविड-19 संक्रमण के कारण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा दिया गया है। स्थिति में फिलहाल सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में शादियों में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। मेहमानों की सीमित संख्या के साथ विवाह की अनुमतियां दी जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान बलरामपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी मुस्कुरा सकते हैं। दरअसल यहाँ एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए अकेला ही बाइक पर निकल गया। बिन बारात लिए ही वो मंडप तक पहुंच गया। ये दूल्हा झारखंड का रहने वाला है और उसकी शादी बलरामपुर जिले के सनावल में होने वाली है। आपको बता दें कि शादी से ठीक पहले लॉकडाउन लगने की वजह से बारातियों का आना जब संभव नहीं था, तो ऐसे में दूल्हे ने पोशाक पहनी और सहरे की जगह हेलमेट लगाकर बाइक में बैठकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए चल दिया। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर जब पुलिस की टीम ने अकेले दूल्हे को देखा तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने दूल्हे को रोका। युवक ने जब बताया कि वो शादी करने जा रहा है तो पुलिस ने कहा कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कम से कम 5 लोग तो होने ही चाहिए थे, लेकिन आप अकेले हैं। पुलिस वालों ने उसकी शादी करने की जिद को देखकर कहा कि आप 5 लोगों को बुला लो, वो परमिशन दे देंगे, लेकिन दूल्हा नहीं माना। पुलिस वालों को मना कर युवक अकेला ही शादी के लिए चल दिया। अब दूल्हे का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लेकिन ये है कम से कम उनको यहाँ तक तो आना चाहिए, हम तो किसी को रोके नहीं। होगा तो बोलवा लो, ये गाड़ी भेज देंगे। उनको बता दीजिए एक गाड़ी को ले आइए, कम से कम 5 आदमी। तुम्हारे घर के तुम्हारे पिताजी तो चले जाएंगे, है ना, तुम्हारे घर के जो गार्जियन है ना वो चले जाएंगे। नहीं रहा तो क्या करेंगे, इसलिए हम सोचे चलो पर जाएंगे। बात करवाना, मैं बात है ना, बिल्कुल आप बिल्कुल सही काम करें कोविड के तहत, है ना। लेकिन ये है कि कम से कम पिताजी जो हैं आपके, है ना, फैमिली मेंबर, उनको बुला लीजिए, गार्जियन को बुला लीजिए। आप शादी करने जा रहे हैं, अकेले थोड़ी जाएंगे, है ना। अपने पिताजी को बुला लो। कहाँ जाएंगे आप शादी करने? सनावल जा रहा है ना, मैं वहाँ बात करता हूँ वहाँ के सर से, जो भी है आप ठीक है। आप जाइए, आराम जाना भाई।